हेलो सब्सक्राइबर्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके पहले प्रीवियसली हम बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, 4 to 12th सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं, और जो कि कहाँ पर अवेलेबल है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। कुछ बॉक्सेस दिए हैं और उसके सामने ऑप्शन दिया, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चॉइस करके टिक करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, देर आर 2 लेयर इन द क्रस्ट। तो क्रस्ट के अंदर 2 लेयर होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं? तो क्रस्ट के अंदर वो 2 लेयर होती हैं जिनको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट। कौन सी? आपका ऑप्शन नंबर ये आएगा। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन आपके पास, विच एलिमेंट इज फाउंड इन बोथ मेंटल एंड क्रस्ट। कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में पाया जाता है? तो सिलिका आपका जो है वो दोनों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। फिर देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सी, विच ऑफ दीज मिनरल आर फाउंड इन द कोर ऑफ अर्थ। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका आयरन एंड निकल, यानी कौन सा ऑप्शन? ये लास्ट वन, ये आपका करेक्ट आंसर है। देन उसके बाद वाला क्वेश्चन है, द इनर कोर इन विच स्टेट, है ना, जो इनर कोर है वो कौन से स्टेट में होता है? तो आपका सबसे करेक्ट आंसर है इसमें सॉलिड स्टेट। इनर कोर हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। देन जो आउटर क्रस्ट है वो है आपका आयरन, आयरन से मेड अप ऑफ, यानी एक सेकेंड, ये आयरन फर्स्ट वाला ऑप्शन। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ है, द लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव। हम कौन से अर्थ के लेयर पर रहते हैं? तो हम कॉन्टिनेंटल, तभी ना बड़ा ना कि 7 कॉन्टिनेंट्स है अपने पास, तो ये वाला है ऑप्शन लास्ट वन, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। देन उसके बाद आएगा, विच सिस्मिक वेव कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड मीडियम। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो ये है। देन ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, यानी ये वाला क्वेश्चन, टेल वेदर राइट और रॉन्ग, करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको राइट एंड रॉन्ग बताना और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ वेरियस मटेरियल इज नॉट द सेम इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ओके, तो फर्स्ट वन आपका करेक्ट है बिल्कुल, तो इस पर आप क्या टिक करोगे? इस पर आप राइट टिक करोगे। ठीक है, फिर सेकंड है, द कोर ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज मेड अप ऑफ हार्ड रॉक। ओके, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, जो अपना इंटीरियर का हार्ड रॉक है उसीलिए तो अपना अर्थ जो है वो उसके ऊपर टिका हुआ है। सॉफ्ट होता तो कब का वो उसके अंदर चला गया होता। फिर क्वेश्चन नंबर सी है, सेकेंडरी वेव कैन नॉट पास थ्रू आउटर मीडियम। बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंडरी वेव जो है वो इनर मीडियम से पास हो सकता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर डी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ये क्रॉस, यानी रॉन्ग टिक करोगे, रॉन्ग लिखोगे आप। ठीक है, और इसके लिए अब आपको एक स्टेटमेंट देना है, ये रॉन्ग है तो क्यों। तो चलते हैं वो स्टेटमेंट की तरफ, देख लो आप। तो ये रहा आपका स्टेटमेंट कि आंसर जो है वो रॉन्ग है, ओशियन क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, ये रॉन्ग। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, है ना, ये आपको लिखना है। सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ गए हो ना क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो इन्होंने बोला है ना कि सिलिका एंड मैग्नीशियम, तो इससे तो ओशियनिक क्रस्ट बना होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे मिलकर बना है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। ठीक है, वो इसलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द 2 पार्ट ऑफ द क्रस्ट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चलते हैं डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ। तो ये रहा आपका आंसर, देख लो यहाँ से, कॉपी कर लो। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। देख लिया इसको, कॉपी कर लिया। देन क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाई इज द अपर मेंटल कॉल्ड द एस्थेनोस्फीयर, है ना, कि जो अपर मेंटल उसको एस्थेनोस्फीयर क्यों बोलते हैं। तो चलते देख लेते हैं इसका भी आंसर। तो ये देख लो, आ गए हम उसके आंसर के पास, देख लो आराम से, पॉइंट वाइज है, काफ़ी अच्छा आंसर दिया, मतलब बहुत ईजी लैंग्वेज में आंसर है।
देख लो यहाँ से कॉपी कर लो, ये मेरे खुद के क्लासेस के नोट्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर सी है, मैग्नेटोस्फेयर ऑफ द अर्थ इज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन, एक्सप्लेन करना है इसको कि जो मैग्नेटोस्फेयर है वो क्या है, रिजल्ट ऑफ रोटेशन है, इसको आप एक्सप्लेन करो। तो देख लेते हैं इसका भी आंसर। तो ये देख लो इसका आंसर, ये फर्स्ट पॉइंट दिया हूँ, उसके बाद दो पॉइंट आपके और है, तो पहले इसको कॉपी कर लो, बाकी से उसके बाद वाले पॉइंट मैं आपको देता हूँ। ये नहीं कि इतना लिख के फिर भूल जाना कि अरे आगे भी आंसर था क्या, इसके आगे और आंसर है, पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, चलते अब इसके नेक्स्ट, ये उसके बाकी के बचे हुए पॉइंट्स देख लो, इसको भी कॉपी कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। देन क्वेश्चन नंबर फोर है, ड्रॉ नीड डायग्राम, लेबल देम एंड एक्सप्लेन, ठीक है, नीड डायग्राम उसको ड्रॉ करना है, ठीक है, उसको लेबल करना है। तो पहला क्वेश्चन, द इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर, यानी इसका डायग्राम। तो ये रहा उसका डायग्राम, इसको देख लो, और उसके अच्छे से जो नेमिंग है बहुत अच्छे से करना, क्योंकि उसी को आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका है ये मैग्नेटिक पोल है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, अच्छे से नेमिंग करना है इसको भी, ठीक है। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गिव ज्योग्राफिकल रीजन। पहला क्वेश्चन है, देर आर डिस्क कंटिन्यूटी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, देख लेते हैं उसका आंसर। तो ये रहा आंसर, यहाँ से देख लो, कॉपी कर लो, इसके बाद और भी पॉइंट्स है, इसके तीन पॉइंट्स और हैं, ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद आगे बढ़ते। इफ़ आपको ब्लर दिख रहा हो तो यहाँ पर ऊपर तीन डॉट बने हुए ना, वहाँ पे क्लिक करो, क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाके क्वालिटी 720 या 480 पे रख लोगे तो आंसर आपको बिल्कुल क्लीन क्लियर दिखेगा, ठीक है। ये रहा उसका आगे का पॉइंट, इसको देख लो, फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द मेटल एंड देयर लोकेशन इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, देखते हैं इसका आंसर। ये रहा उसका आंसर, देख लो यहाँ से कॉपी कर लो, थोड़ा जूम कर देता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ, पॉइंट वाइज देख लेना, इतना कॉपी कर लो, फिर आगे जूम कर दूँगा, उसको भी कॉपी कर लेना, ठीक है। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ, ये रहा आपका नेक्स्ट आंसर, इसको भी जूम कर देता हूँ मैं, ये रहा आपका उसके बाद का नेक्स्ट आंसर, क्वेश्चन दिया हो इसलिए साथ में मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ, देख लो इसको भी कॉपी कर लो, ठीक है। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ, हो गया आपका आंसर कंप्लीटेड। नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे पढ़ाने में या आंसर देने में, मैं जो चैप्टर एक्सप्लेन करता हूँ आप बाकी के चैप्टर्स भी देख लो जो एक्सप्लेनेशन दिया है, क्या क्या लगता है कि आपको मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। और अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो अगर आपको ठीक लगे तो।